हेलो गाइस, दिस इज़ श्रद्धा एंड वेलकम टू दिस चैनल. सो एज द टाइटल ऑलरेडी सजेस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू आइकिया मुंबई. द स्टोर ओपन ऑन द 18th, दैट इज़ ऑन फ्राइडे. सो आई गॉट अ सो फॉर आइकिया मुंबई, बिकॉज ऑफ कोविड यू हैव टू बुक स्लॉट्स टू एंटर द स्टोर, बिकॉज आई थिंक एवरी डे ओनली 2,500 पीपल कैन गो टू द स्टोर. सो आई गॉट अ स्लॉट ऑफ टुडे, दैट इज़ मंडे. So I'm very very excited to go to the store and check out what's there. So I'm taking you guys along with it. So let's get started. आप जैसे ही एस्केलेटर से ऊपर आते हो, आप यहाँ पे आते हो. सो आईकिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज शोरूम, सेकंड इज मार्केट हॉल एंड थर्ड इज वेयरहाउस. तो शोरूम में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस बनाए हैं टू सेटअप ईच रूम. तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो, ये एक लिविंग रूम का सेटअप बनाया है जहाँ पे उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं. यहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हो, बट आपको उनका नंबर और वो नोट डाउन करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग गए उनके सीटिंग वाले सेक्शन में. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सीटिंग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सोफ़ा हो गया, चेयर्स हो गई. तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे सीटिंग ऑप्शंस देखे. तो आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है सोफ़ा में. देर आर टू सीटर सोफ़ा, सिंगल सीटर, देन देर आर रिक्लाइनर चेयर्स. और उनकी प्राइसिंग भी काफ़ी अफोर्डेबल थी. बेसिकली डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो तो उसका प्राइसिंग अलग अलग होता है ऑब्वियसली. तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उनके सीटिंग में. नेक्स्ट हम गए उनके आइकॉनिक पैक्स वार्डरोब के सेक्शन में. यहाँ पे ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है आइकिया का. सो आप ये जो साइड में होल्स देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली फॉर शेल्फ्स. आप उनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो. तो दिस इज़ वेर यू कैन डू ऑल योर एडजस्टमेंट, और ये आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग द ड्रॉअर्स और आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए. तो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है जिस हिसाब से उन्होंने बनाया था. उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं टू सेट अप नर्सरी एज वेल. यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस बना रखे थे. जैसे आप देख रहे हो, उन्होंने काफ़ी अलग अलग थीम्स के यू नो सेटअप्स रखे थे. और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं फॉर किड्स, लाइक यू हैव ऑल योर टॉयज एंड काफ़ी सारे स्टोरेज यूनिट्स और नर्सरी के सारे प्रोडक्ट्स, और वो सब अवेलेबल है यहाँ पे. तो हमने ज़्यादा स्पेंड डिस्प्ले शोरूम में नहीं किया, और हम मार्केट की तरफ गए. सो मार्केट इज़ वेयर यू बाय एवरीथिंग एंड यू कैन बाय, लाइक आप जैसे डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हो वैसे. तो द फर्स्ट सेक्शन वी वेंट इज़ ऑफ कोर्स किचन. यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग पॉट्स एंड पैन्स, द आइकॉनिक स्नैक बैग्स ऑफ आइकिया. देन हम बेकवेयर वाले सेक्शन में गए. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेकिंग के आइटम्स मिलेंगे, जैसे बेकिंग ट्रेज हो गए, मेजरमेंट कप्स हुए, और काफ़ी सारा ऑप्शन था बेकवेयर में. नेक्स्ट हम गए ग्लासवेयर सेक्शन में. उनके पास काफ़ी अफोर्डेबल ग्लासवेयर था, मतलब काफ़ी सारे वाइन ग्लासेस, शैम्पेन ग्लासेस काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में थे, जैसे आप देख रहे हो. आई थिंक द पैक वॉज अराउंड लाइक 499. नेक्स्ट इज़ द क्रॉकरी सेक्शन. आई रियली लव द क्रॉकरी सेक्शन, बट मेरा एक फीडबैक है कि अकॉर्डिंग टू आर इंडियन कुकिंग, उनके सारे प्रोडक्ट्स वैसे नहीं है. तो आप जब भी बाय करो, आप सब चेक करके बाय कीजिएगा. बट कलर्स वर अमेजिंग.
नेक्स्ट वी केम टू द बेडरूम सेक्शन. यहाँ पे सारे बेडरूम के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कुशन कवर्स हो गया, इवन कर्टन्स हो गए, और काफ़ी सारे बेडशीट ऑप्शंस भी थे. काफ़ी सारे कर्टन्स में भी कलर ऑप्शंस थे, प्रिंट ऑप्शंस थे. आपको फ्लोर कुशंस दिख रहे हैं, वो फ्लोर कुशंस भी थे, काफ़ी कलर्स थे उसमें भी. तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे फॉर बेडरूम. यहाँ पे उनके फिटेड शीट्स है जो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में थे, लाइक 699 फॉर डबल बेड. उनके पास काफ़ी सारे साइजेस भी थे, बिकॉज लॉट ऑफ मैट्रेसेस आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. उनके पास मैट्रेस प्रोटेक्टर भी है, जो यू नो इफ़ यू हैव किड्स और इवन फॉर जनरल, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द मैट्रेस यू कैन हैव दैट. और यहाँ पे काफ़ी सारे बेडशीट ऑप्शंस है. दीज आर नॉट फिटेड, दीज आर द नॉर्मल फ्लैट शीट्स. उनके पास काफ़ी सारे प्रिंट्स थे. नेक्स्ट इज़ द बाथरूम सेक्शन. यहाँ पे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स थे उनके पास, जैसे सोप डिस्पेंसर हो गया, सोप डिश हो गए, देन यू हैव टॉवल hangers, then there were a lot of options for storage also, then there were this vanity mirrors, उनके पास shelf options थे. Then next is, which is one of my favorite product section, is the storage section. यहाँ पे काफ़ी सारे boxes थे, काफ़ी सारे options थे उनके पास, जो आप देख सकते हो. फिर उनके पास काफ़ी हैवी ड्यूटी स्टोरेज ऑप्शंस भी है, जैसे आप देख सकते हो. दीज आर लाइक ऑल दोज बिग बॉक्सेस विच आर नॉट यूज फ्रीक्वेंटली, यू कैन कीप स्टफ लाइक दैट. देन वी केम टू द लाइटिंग सेक्शन. यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस थे लाइटिंग में, जैसे सीलिंग लाइट हो गया, देन टेबल लैम्प्स, देन इंक्लूडिंग देवर मिरर्स ऑल्सो विच यू कैन यूज़ फॉर योर बाथरूम्स एंड वैनिटी. यहाँ पे आप जैसे फ्लोर लैम्प्स देख सकते हो, काफ़ी रीडिंग लाइट्स भी थे. सो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको लाइटिंग में भी. नेक्स्ट सेक्शन वॉज द रग सेक्शन. यहाँ पे उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ साइजिंग एंड टेक्स्चर्स. आपको काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे साइजेस के हिसाब से, प्रिंट्स के हिसाब से. ऐसे आप देख रहे हो काफ़ी सारे प्रिंट्स भी अवेलेबल है, इवन प्लेन कलर्स आर अवेलेबल. सो यू कैन हैव चॉइस ऑफ योर ओन. सो नेक्स्ट वॉज द डेकोर सेक्शन. यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स, फिर वॉल क्लॉक्स, फिर फोटो फ्रेम्स, देन ऑल्सो लाइक फ्यू निकनैक्स. तो शेल्फ के ऑप्शंस थे यहाँ पे, मिरर्स एक्सेट्रा. आफ्टर डेकोर सेक्शन उनके पास एक प्लांट सेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फेक प्लांट्स. दीज आर ऑल फेक प्लांट्स. इनमें काफ़ी सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्लावर कलर्स एंड पैटर्न्स, एंड लाइक कैक्टस भी था. तो यहाँ पे उनके पास पॉट्स में भी बहुत ऑप्शन है, इंक्लूडिंग सेरामिक एंड प्लास्टिक. नेक्स्ट इज दिस सेक्शन इज फॉर रियल प्लांट्स. दीज आर ऑल रियल प्लांट्स एज यू कैन सी. उनके पास काफ़ी ऑप्शंस है रियल प्लांट्स में इन टर्म्स ऑफ फ्लावर्स एंड काफ़ी कलर्स में भी है. नेक्स्ट सेक्शन इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट सेक्शन इन आइकिया, दैट इज़ द कैंडल सेक्शन. यहाँ पे इतनी सारी वराइटीज़ थी कैंडल्स की. देर वर लॉट ऑफ फ्रेगरेंसेज अवेलेबल, इंक्लूडिंग वनीला, चेरी एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस. यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिटी कैंडल स्टैंड्स भी थे. सो आप जब भी आइकिया जाओ, कैंडल सेक्शन उनका ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आइकिया, दैट इज़ द वेयरहाउस सेक्शन. ये जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो जिसमें सब रेड टैग्स लगी हुई है, ये सब आपको वेयरहाउस में मिलेंगी. ये आप डायरेक्टली आपके कार्ट में नहीं डाल सकते. जैसे आप देख रहे हो, आपको आपका प्रोडक्ट का जो नंबर है वो नोट डाउन करना है. ये है वेयरहाउस सेक्शन. ये काफ़ी ह्यूज बनाया है. यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑब्वियसली, जैसे चेयर्स हो गई, जो आपको आपके कार्ट में नहीं डाल सकते, वो आपको सारी प्रोडक्ट्स यहाँ मिलेंगी. जैसे मैंने चेयर खरीदी थी ये वाली, तो मुझे वो प्रोडक्ट के आइल में जाना पड़ा और वहाँ से मुझे वो प्रोडक्ट लेना पड़ा. सो जब भी आप रेड टैग वाला कोई भी प्रोडक्ट लोगे, वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा वेयरहाउस में आके. के तुरंत बाद आपका बिलिंग और चेकआउट काउंटर आता है. यहाँ पे उन्होंने काफ़ी बिलिंग के काउंटर्स रखे हैं. देर आर टू ऑप्शंस. वन इज़ येलो, जो आपके कम आइटम्स होंगे, और ब्लू में आपके जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं. जैसे हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स थे, तो हम ब्लू लाइन में खड़े थे.
चेकआउट के तुरंत बाद उन्होंने एक स्मॉल कॉफ़ी शॉप बनाया है जहाँ पे आपको कॉफ़ी, क्रोजॉन्स एंड समोसा और थोड़े छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगे। मुझे एक्चुअली उनका स्वीडिश मीटबॉल खाना था, बट वो रेस्टोरेंट क्लोज हो गया था हमारे जाने तक, तो हमने बस यहीं पे थोड़े रिफ्रेशमेंट्स कर लिए थे। द टेस्ट वॉज क्वाइट नाइस। दैट्स इट गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।